हेलो एवरीवन, मैं श्वेता श्वेता कुकिंग जोन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कटहल कोफ्ता, जो बहुत ही सॉफ्ट बनता है और बहुत ही टेस्टी होता है। इसे आप अपने घर पे जरूर ट्राई करें। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम कटहल को अच्छे से कट करके धो लेंगे और इसे हम पानी में ही रखेंगे। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, जिसे मैंने अच्छे से छील कर धो लिया है। अब इसे हम कुकर में डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, नमक स्वाद अनुसार। इसका ढक्कन लगाकर हम इसे हाई मीडियम फ्लेम पे 3 सीटी लगाएंगे। ये हमारा कटहल और आलू हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसका प्रेशर निकलने देंगे। अब हम प्योरी तैयार कर लेते हैं ग्रेवी के लिए। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिया है, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च, और इसका प्यूरी हम तैयार कर लेंगे। ये हमारा प्यूरी रेडी हो गया है। ये हमारा कटहल भी पक गया है। ये देखिए, पानी से मैंने इसे निकाल लिया है। ज़्यादा पानी नहीं था, थोड़ा सा ही पानी था, और इसे हम मैश कर लेंगे। ये हमने मैश कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच बेसन, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और आधा छोटा चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका हम डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने डो तैयार कर लिया है। अब हाथ को अच्छे से हम धोकर इसे चिकना कर लेंगे तेल लगाकर, और इसका हम छोटा छोटा बॉल बनाएंगे नींबू के आकार के जितना। ये देखिए, मैंने सारे बॉल्स रेडी कर लिए हैं। तेल भी हमारा गर्म हो गया है। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इसे हम उलटते पलटते फ्राई करेंगे। ये हमारा कोफ्ता बॉल्स रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से पक गया है। इसे अब हम निकाल लेंगे प्लेट में, और इसी कढ़ाई में हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, और इसका हम कलर चेंज होने देंगे। आप चाहें तो इसमें तेल और ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज, और इसे हम ब्राउन होने तक भून लेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखें। ये देखिए, प्याज हमारा भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे मसाला, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा और गोलकी पाउडर, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे टोमेटो प्यूरी, और इसे हमें अच्छे से भून लेना है। टमाटर हमारा बिल्कुल पक जाना चाहिए। ये देखिए, टमाटर हमारा पक गया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। अब जैसा ग्रेवी पसंद करते हैं उस अनुसार ही आप पानी डालें, और इसमें हम उबाल आने देंगे। यहाँ पे फ्लेम को मैंने हाई मीडियम रखा है। ये देखिए, उबाल आ गया है। अब हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे कोफ्ता। ग्रेवी हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, और 2 मिनट के लिए हम कोफ्ता को इसमें उबालेंगे। ज़्यादा देर हमें नहीं उबालना है। हमारा कोफ्ता बहुत ही सॉफ्ट बना है। ये हमारा कोफ्ता रेडी हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ धनिया पत्ता, और गैस को हम बंद कर देंगे। और इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच घी। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे चावल, पराठा, पूड़ी या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए, कितना खूबसूरत हमारा कोफ्ता बना है। देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। यकीन मानिए, इसे आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें, और हमें कमेंट करें कैसा लगा आपको। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।